आप तक टाइम्स में आपका स्वागत है। सिविल अस्पताल सुंदरनगर में द 29 जून को दिव्यांगता जांच शिविर, सकलानी सुंदरनगर। दिव्यांगजनों की कानूनी सलाहकार एवं मुख्य समाज सेवी कुशल कुमार सकलानी ने कहा कि सिविल अस्पताल सुंदरनगर में द 29 जून को हर महीने की तरह इस महीने भी दिव्यांगता की पहचान के लिए जाँच शिविर का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने सभी पात्रता रखने वाले दिव्यांगजनों से तमाम तरह की औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद शामिल होने की अपील की है। मैं कुशल कुमार सकलानी, समाज सेवी एवं कानूनी सलाहकार दिव्यांगजन, जो हमारे सुंदरनगर हॉस्पिटल में माह के अंतिम शनिवार को मेडिकल बोर्ड का गठन किया जाता है, उसमें जो भी दिव्यांग बंधु अपना दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं तो इस बोर्ड में सभी प्रकार के डॉक्टर अवेलेबल होंगे। तो अपना जो भी लोग दिव्यांगता प्रमाण पत्र के लिए अपना रजिस्ट्रेशन लोक वितर केंद्र जाके आधार कार्ड लेकर, फोटो लेकर वहाँ से रजिस्ट्रेशन करवा कर वो अपने दिव्यांगता प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए सुंदरनगर हॉस्पिटल में 29 जून 2024 को पहुँच सकते हैं। इसमें हमारे जिला के मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय से भी बात हुआ था, ताकि वहाँ से जो डॉक्टर कुछ आते हैं ताकि हमारा मेडिकल बोर्ड पूरा हो, और जो दूर दराज से लोग हमारे ऐसे दिव्यांगता प्रमाण पत्र आने बनवाने के लिए आते हैं उन्हें कोई किसी प्रकार की असुविधा का सामना ना होना पड़े। और ऐसे कुछ एक लोग हैं जो बेड रिडन हैं, उनके लिए आधार कार्ड नहीं बने हैं, उनके लिए भी एक तो कल ही हमने बल का आधार कार्ड उसके घर जाकर बनवाया, और उसी तरह 22 तारीख को मुकेश कुमार जी बल्क में जाकर उनके घर में यहाँ से आधार केंद्र से पवन जी जाएंगे और उनका भी आधार कार्ड बनवाएंगे। इसके साथ ही जो हमारे दिव्यांग बंधु जिनका तो सब कुछ बना था उन्हें वोट देने से वंचित किया गया, और उसी तरह जिनके आधार कार्ड नहीं बने थे समय पर, हमने बार बार सूचित किया था शासन को, तो उनके भी अभी तक कोई वोट या उनके आधार कार्ड या उनके मेडिकल प्रमाण पत्र जो घर में जाकर बनवाने चाहिए थे वो अभी तक नहीं बने हैं। और ऐसे लोग जो तमाम सुख सुविधाओं से वंचित हैं उन्हें समय पर सभी कार्य छोड़कर ऐसे लोगों को प्राथमिकता के आधार पर उनके कार्य होने चाहिए। मैं धन्यवाद करूंगा वर्तमान मुख्य SDM महोदय सुंदरनगर और SDM बल का, जिन्होंने जब भी दिव्यांगों से संबंधित कोई भी मामला उनके संज्ञान में लाया गया उन्होंने बिना विलम्ब प्राथमिकता के आधार पर दिव्यांगों के साथ उन्हें न्याय देने का प्रयास किया है। ऐसा ही अपेक्षा हम हमेशा उनके आगे आने वाले दिनों में कोई उनके संज्ञान में मामला आता है तो उसमें भी वो कड़ी कार्रवाई करके दिव्यांगों को न्याय दिलाएंगे, देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।